बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का व्लॉग करते हैं शुरू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आइए, आज बड़ा फ़न करने वाले हैं हम जनाब, और अभी नहाएंगे वहाँ नलके के पास जाकर। काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है। हाँ भी एक टीका इंदा की करना है, इंदा की करना है, सही नहीं होता तो इस तरह की चीज़ नहीं लग जाए तो नुकसान होता है, जरासीम होंगे ने। इस बकरे को इतनी ज़्यादा जगह ये छोड़ी हुई है चारा खाने के लिए, लेकिन यहाँ पर आकर आम को खाने लग गया। यार इस बकरे की भी अजीब ही हरकतें हैं, और ये इसको कहीं और छोड़ दें तो वहाँ से अगर इसको यहाँ पर चराएंगे खाना खिलाएंगे तो ये उधर चला जाएगा, अगर यहाँ पर लेकर आए उधर लेकर जाएंगे तो इधर आ जाएगा। यार इस तरह की बकरियों की, यार इसको जब मैं भगाऊँगा ना तो मुझे टक्कर मारने आएगा। चलें चलें उधर। यार आपको क्या मसला, आप टक्कर मारेंगे क्या मुझे? चलें उधर चलें भाई, वो चारा पड़ा हुआ उधर चलें। देखिएगा ये देखें भाई जान, ये बड़ा ख़तरनाक बकरा है और माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो चुका है। अगर किसी को लेना है तो बताएं, और लेना तो भाई आप लोगों ने है नहीं। तो बकरियां भाई उधर चारा वगैरह खा रही हैं। अभी मैं इसको भगाता हूँ, ये देखें फिर इधर पत्ते वगैरह खाने लग गया, और इसी तरह तंग करता रहेगा जब तक इसको मैं भगाऊँगा नहीं। भाई चलें, इस तरह तंग ना करें, आम के पत्ते ना खाएं, और इस तरह आम के पत्ते खाओगे तो क्या यार, इस तरह तो आप लोग सारे पत्ते ही खा जाओगे ना। तो इस तरह भी इसको भगाते हैं यहाँ से। चलो इस दफ़ा भागा है डरकर, वरना ये तो मेरे भाई टक्कर मार रहा था। टक्कर टक्कर आप लोगों को पता है कितनी तेज़ होती है, तो बकरे की टक्कर से बचना चाहिए। तो भाई इसकी बकरियों को मैंने इधर कर दिया बिल्कुल, अभी इधर ये चारा वगैरह खाने लग जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बुजान ने नमाज़ पढ़ ली, बुजान से यही दुआ कि नमाज के बाद दुआ करें यार मेरा भी यूट्यूब चैनल ये कामयाब हो जाए, और आप लोगों की भी दुआ है अल्लाह पाक आप लोगों को भी कामयाब करे चलता चलता। इनकी इस तरह की हरकतें बहुत ज़्यादा होती हैं, अगर इनको आप वहाँ पर छोड़ें अच्छा चारा है और वो छोड़कर और कहीं चली जाती हैं, लेकिन जैसे मकाई में आ गई हैं ये आ गई हैं और उधर नहीं रुक रही। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा कितना ज़्यादा चारा, लेकिन ये जनाब इधर आ गए, ये पत्ते वगैरह खाने लग गया। अब इसको किस तरह मैं रोकूँ ये देखें भाई, हरकतें तो इसकी काफ़ी ख़राब हैं, और अब देखें टक्कर मारने आ जाएगा मेरे। तो भाई जान आप टक्कर ना मारें मेरे, आप तगड़े मुझसे। तो ये भाई बकरियां वगैरह इधर चल रही हैं, मैं इनको इधर से निकालता हूँ, मकाई ये ख़राब कर रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जी अब्बू जान उधर नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। हाय 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 जनाब, अम्बियाँ देखें कितनी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं, ये देखिए कच्ची अम्बियाँ होती हैं, और इनको खाने का कैसा मज़ा होता है, और इसका जो पानी होता है वो मुँह में आ जाता है जब कुछ नमक लगा कर खाते हैं, और खट्टी मीठी होती हैं ना। तो ये देखें यार आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह ये काफ़ी मोटी हो जाएंगी। ये जो हमारा आम है इसमें जो अम्बियाँ होती हैं ये काफ़ी मोटी मोटी हो जाती हैं और खाने के लायक होती हैं। और यार इधर कौवा बोल रहा था, वीडियो सही नहीं बनाने दे रहा था, लेकिन अब वो भाग गया। किधर बन गई है, किधर बन गई है भाई जान, किधर बन गई है एक, वो उससे परली तरफ एक बन गई है, ये वाली बनी हुई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इस तरह की है जो गंदम की जो ढेरियाँ मतलब बड़ी बड़ी लगाते हैं ये, इस तरह इनके ऊपर फिर मट्टी कीचड़ वगैरह वो डाल देंगे, फिर ये जम जाएंगी और ये एक साल तक इस तरह रुकी रहेंगी। नहा लेते हैं, मुझे गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना नहा लें, और अभी नहाते हैं। काफ़ी ज़्यादा ठंडी टाइम आया है, चाय काफ़ी ज़्यादा ठंडी है, हवा चल रही है और ठंडी चाय है, और अभी नहाते हैं। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, धूप थी तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना नहा लें। Thank you.
तो फाइनली जनाब मैं नहा चुका हूँ इस टाइम और फ्रेश हो चुका हूँ बिल्कुल ही, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। जब गांव में बिजली नहीं होती तो लोग यहाँ पर आकर नहाते भी हैं और काफ़ी लोग यहाँ से पानी भी लेकर जाते हैं क्योंकि पानी अच्छा है पीने के लिए, लेकर यहाँ से जाते हैं। अब आप लोगों को बताया शहरों का गांव का जो पानी है वो इतना साफ भी नहीं है, तो लोग इधर से पानी भी लेकर जाते हैं, नहाते भी हैं, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। इन बकरियों के बच्चों को प्यास लग रही थी तो इन नलके पर इनको पानी पिलाया ताकि ये अच्छे तरीके से पानी पी लें, और अभी इनका पेट भर जाएगा कुछ टाइम में तो ये अच्छे तरीके से पानी पी लेंगे। एक बच्चे ने तो पानी पी लिया है, अब दूसरा जो बच्चा ये भी पानी पी रहा है, और मैं इसी तरह इनको पानी पिलाता हूँ और इनकी आदत बन गई है पानी पीने की, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये इस तरह पानी भी पी रहे होते हैं। तो नाज़रीन शाम का टाइम हुआ जाता है और इस व्लॉग का करते हैं एंड, मिलेंगे एक नई वीडियो में। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का खास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।